बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। बच्चों, आज हमने जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम जो है रेस्ट और मोशन के दरमियान में डिफरेंस देख चुके हैं, तो आई होप सो कि आप लोगों ने जो है उसके दरमियान में डिफरेंस को क्लियर कर लिया होगा और काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली मोशन की जो है वो तीन टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। और ये एमसीक्यूज में भी आता है, इसको भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स ऑफ मोशन है। अब वन बाय वन जो है इन सारी टाइप्स ऑफ मोशन को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो वाली मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहे होते, मतलब कि एक लाइन के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर जो है वो रोटेशन नहीं आती। अब जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है लाइक दिस, और कर्व फॉर्म में भी हो सकती है। अब इस वे में या इस पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा वो किसकी एग्जाम्पल, किसको शो करेगा कि वो ट्रांसलेटरी मोशन को बिहेव करा है, उसका जो बिहेवियर वो ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके अलावा जो है वो आपको और डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये सारे इन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन है वो क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन को भी आगे तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन लीनियर मोशन, नंबर टू सर्कुलर मोशन, नंबर थ्री रैंडम मोशन। लीनियर मोशन जो है नेम से जाहिर है लीनियर लाइक लाइन, मतलब वो वाली मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होगी उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। अब जैसे एरोप्लेन्स की जितनी भी मोशन होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, लीनियर मोशन कहलाएगी। इसके अलावा वर्टिकल मोशन, मतलब कि कोई अपवर्ड से डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है या डाउनवर्ड से अपवर्ड आ रहा है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, वो भी किसकी एग्जांपल होगी, लीनियर मोशन की। उसके बाद है सर्कुलर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन सर्कुलर फॉर्म में होगी, सर्कुलर पाथ में होगी, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। मतलब कि द सर्कुलर मोशन या द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इस कार सर्कुलर मोशन। जैसे कि टॉय ट्रेन आपके पास हो जाएगा वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, इसी तरह से मोशन ऑफ अर्थ है, मोशन ऑफ नेचुरल सेटेलाइट्स है हमारे पास, वो सारी किसकी एग्जांपल होगी, सर्कुलर मोशन की होगी। इसके अलावा लास्ट वन है इसका रैंडम मोशन। रैंडम मोशन जो है वो इररेगुलर मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब कि इररेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अब आपको जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स आप अपने इर्द गिर्द नज़र आ रही होंगी जो कि रैंडम मोशन की है, लाइक इंसेक्ट्स और बर्ड्स। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है, ये अक्सर क्वेश्चन में भी आता है कि वाई द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स इज, या वट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स मोशन। तो आप कहेंगे कि रैंडम मोशन होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो इररेगुलर वे में जो है वो क्या करे होते हैं मूव कर रहे होते हैं जी। उसके बाद है सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज़ रोटेटरी मोशन, स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब मूव कर रहा है किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द, अगर वो मूव कर रहा है किसी एक्सिस के इर्द गिर्द वो मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है उसके अंदर जो रोटेशन होगी या उसके अंदर जो मोशन होगी उसको हम नेम देंगे रोटेटरी मोशन का। लाइक आपके पास जो है कोई भी एग्जांपल आप ऐसी ले लें जिसमें जो है वो कोई भी एक बॉडी जो है वो अगर एक्सिस के इर्द गिर्द मूव कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, रोटेटरी मोशन में। जैसे हमारे पास स्टेयरिंग व्हील हो जाएगा, व्हील हो जाएगा, और इसके अलावा अगर आप जो है वो फुटबॉल को अपने इर्द गिर्द अपने हैंड के ऊपर रख के उसको रोटेट करवा रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक एक्सिस के इर्द गिर्द जो मूव कर रहा है, इस वजह से उसके अंदर जो मोशन होगी उसको हम नेम देंगे रोटेटरी मोशन का। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ मोशन है, दैट इज़ वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या, मतलब इसमें जो है वो एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करोगे लेकिन इसमें जो है वो एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको हम नेम देंगे वाइब्रेटरी मोशन का। जैसे जो है हमारे पास अलार्म क्लॉक होता है उसमें जो पेंडुलम मूव कर रहा होता है उसके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है, इसी तरह से सी सा जो है वो भी किसकी एग्जांपल है, वाइब्रेटरी मोशन के। इन सबको आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सारी टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं, और आपने इर्द गिर्द जो है वो एग्जांपल सोचें, देखें कि कौन कौन सी मोशन जो है वो क्या है, कौन सी टाइप है, उसको अच्छे से डिस्कस करें, डील करें। और इसके अलावा इस सारे टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लें। कोई भी क्वेश्चन के लिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।